हेलो हेलो रमन जी, मुबारक हो। आकाश बोल रहा हूँ। अरे पुत्र, इस वक्त किस बात की मुबारक? एल्बम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, आपने यामिनी को एल्बम में लेकर सही फैसला किया है। यामिनी के अंदर छिपा कलाकार पूरी तरह उभर के आया है। अरे भाई, पहली नजर में इंसान को पहचानना सीखा है हमने। खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। रमन जी, आप देखना, म्यूजिक की दुनिया में हमारी एल्बम सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अरे आकाश पुत्र, क्या खबर सुनाई है तूने? अगर तू कहे तो तुम्हारी एल्बम की रिलीज के साथ साथ तुम्हारी और रितु की एंगेजमेंट अनाउंस कर दूं? रमन जी, पहले एल्बम को तो रिलीज होने दीजिए। वैसे मुझे अभी एडिटिंग स्टूडियो जाना है, रात भर काम करना है। गुड नाइट रमन जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। गुड नाइट। एंगेजमेंट की बात सुनकर गुड नाइट। गुड नाइट पुत्र। क्या बात है अनु, टेलीफोन की घंटी से तुम इतना घबरा क्यों गई थी? घबरा नहीं तो मैं कहाँ घबरा गई थी। मैं तो टेलीफोन उठाने ही वाली थी, इतने में आपने उठा लिया। तुम्हें अच्छी तरह झूठ बोलना भी नहीं आता। गुड नाइट। ये तो उन्हें दिया जाता है जिनके साथ आपका कोई रोमांस या कोई चक्कर वक्कर चल रहा हो। और समीर मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस एक अच्छा दोस्त। यामिनी, यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही है? कुछ नहीं अम्मा, तारों से भरे इस खूबसूरत से आसमान को देख रही थी। देख रही हूँ, आजकल तो अपने आप में खोई रहती है। क्या सोचती रहती है बेटा, कुछ बात है? नहीं अम्मा, कोई बात नहीं है। अपनी अम्मा से छुपा रही है? सच अम्मा, कोई बात नहीं है। और मेरा यकीन मानिए, अगर ऐसी वैसी कोई बात होगी भी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। मैं तेरी माँ हूँ, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद ही समझ जाती, चाहे थोड़ी देर लगती। लेकिन अगर मेरी बेटी मुझे खुद बताएगी तो मुझे उस पर और उससे दी हुई शिक्षा पर गर्व होगा। ऐसे क्या देख रहे हो अक्षय? अब तुम कहो तो तुम्हें देखना भी छोड़ दें। तुम कब से मेरी बात मानने लग गए? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तुम्हारी मर्जी ही चलती है। जो तुम कहती हो वही करता हूं, जो तुम चाहती हो वही होता है। अच्छा जी, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो। इरादे तो नेक है ना? मामा जी से बात हो रही थी और शायद वो ठीक कह रहे थे। किस बारे में? तुम्हें नहीं लगता अब इस घर में एक बच्चे की जरूरत है? तो मामा जी ने आपको भी बच्चे की घुट्टी पिला ही दी। अक्षय, ऐसी कौन सी औरत होगी जो मां नहीं बनना चाहेगी? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अक्षय, मैंने एक करियर इसीलिए तो चुना है कि हम लोग की एक अलग पहचान बन सके। तुम नहीं चाहते कि हमारे बेटे को लोग अक्षय और निकिता कपूर के बेटे के नाम से जाने, बजाय आकाश कपूर के भतीजे के नाम से? मैं ये जान सकता हूँ ये वक्त कब आएगा? जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। अब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा और से। वैसे एक बात को अक्षय, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ क्या वो गलत है? नहीं,
शायद तुम ठीक कह रही। हाँ नेहा, ऋतु, वेरी गुड, एकदम सही वक्त पे आई है। आकाश भैया भी बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन नेहा, मैं तो तेरे साथ कॉलेज जाने के लिए आई हूँ। तू क्या हो गया, आज कॉलेज से छुट्टी ले ले और आकाश भैया के साथ चली जा। नेहा, एक्चुअली ना ऋतु, नो एक्सक्यूजेस। हाय ऋतु, कॉलेज जा रही हो? नहीं, ऋतु आपके साथ जा रही है। पर मैं तो एल्बम की एडिटिंग पर जा रहा हूँ, ऋतु वहाँ क्या करेगी? She'll get bored, नहीं ऋतु? Exactly, आकाश ठीक कह रहा है। नहीं ऋतु, तुम आकाश भैया के साथ ही जा रही हो। ठीक है। अरे लेकिन बेटा, ऋतु तो तेरे साथ कॉलेज जाने के लिए आई है ना? जी मामा जी। ऋतु, आज तेरा आकाश भैया के साथ पूरा दिन बिताने का प्रोग्राम है। नेहा बेटा, इस तरह कॉलेज बंक करना अच्छी बात नहीं है, और कॉलेज छूट जाएगा तो पढ़ाई में पीछे रह जाएगी ना। मामू, क्लास के नोट्स मैं ले लूंगी इसके लिए। देखो, उसकी अटेंडेंस भी कम हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इसकी अटेंडेंस दे दूंगी। ओके ओके गाइस, एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग लेट, मैं चलता हूं। हां तुम, अच्छा मामा चलो, बाय। बेटा तुम्हारी भी क्लास शुरू होने वाली हो? जी मामा जी, निकलते हैं। ओके चल। इन लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि कौन किसके साथ जाएगा। तस्वीरों में यामिनी बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है। Have you noticed? ऋतु रमन पर गई है और यामिनी तुम पर। What the hell are you doing here? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटियों की तस्वीरें देख रही हूं। It is so strange. हम साथ नहीं रह सकते, लेकिन तस्वीरें हमारे साथ रह जाती है। इन तस्वीरों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। I know, Anu. और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा वास्ता है। Now just shut up. तुम यहाँ क्यों आई हो? What do you want? तुम जानती हो अनु, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरे सब पैसे खत्म हो गए हैं। I desperately need some money. Please. बहू। जी मामा जी। ऑफिस जा रही हो? जी। कोई खास बात? हाँ, आकाश के बारे में तुमसे जरूरी बात करनी थी। आकाश के बारे में? निकिता, हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी आकाश ने उठा रखी है, और उसे खुश रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आकाश के लिए मैंने एक लड़की पसंद। पर मामा जी, आकाश के लिए तो मैंने अपनी कजन सिमी को पसंद किया। मुझे मालूम, मगर आकाश की शादी के लिए हमें अपनी पसंद नहीं, उसकी पसंद देखनी चाहिए। और आकाश के लिए जिस लड़की को मैंने पसंद किया है, आकाश भी उसे पसंद करता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं फोटोग्राफ अपने साथ लाया हूँ, तुम खुद ही देख लो। यामिनी? यामिनी। और अक्षय को भी ये रिश्ता पसंद। आकाश की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगी। बाबूजी, मैं आज आप लोगों को मिठाई खिलाने आया हूँ। मुझे मुंबई में एक लॉ कंपनी में जॉब मिल गई है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हारी नौकरी लग गई, मुबारक हो। बाबूजी, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। समीर, तुम्हारी नौकरी मिलने की खुशी में बेटा मिठाई खिलाने का फर्ज तो हमारा था। अम्मा, मिठाई आपने खिलाई या मैंने, बात तो एक ही है, हम लोगों में कोई फर्क थोड़ी है। समीर, मैंने भगवान से तुम्हारी नौकरी के लिए प्रार्थना की थी, ये उसी का फल है। तुम ठीक कहती हो यामी,
शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं रामपुर छोड़कर मुंबई जाकर रहूं, इसलिए आज ही जा रहा हूं। तुम आज ही मुंबई जा रहे हो? भाई कल से कंपनी को ज्वाइन करना है, इसलिए आज ही जाना पड़ेगा। अच्छा बाबूजी, अम्मा मैं चलता हूँ। बेटा चाय तो पीते जाओ। अम्मा अब मुंबई से स्पेशल आपके हाथ की चाय पीने आया करूंगा, पर अभी चलता हूँ। बेटे समीर अपना ख्याल रखना और हमें फोन जरूर करना, मुंबई पहुंचकर हमें और रामपुर वालों को भूल मत जाना। बाबूजी ना तो मैं आप लोगों को भूल सकता हूँ और ना ही रामपुर को। अभी चलता हूँ बाबूजी। जीते रहो। बाबूजी मैं समीर को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। हाँ हाँ। यामिनी मुझे मुंबई में जॉब मिली है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें नौकरी मिल गई मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। पर समीर कितनी अजीब बात है ना, तुम भी मुझे छोड़कर मुंबई जा रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे अलावा कोई भी मुंबई जा सकता है। देखो यामिनी, तुम्हारा जब भी मुंबई आने का दिल करे मैं तुम्हें बुला लूंगा। नहीं समीर, मैंने सुना है जिनमें कला होती है ना मुंबई उन्हें खुद ब खुद बुला लेता है। यामिनी तुम्हें जब भी मुंबई से बुलावा आए या फिर घर में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बस एक फोन कर देना, मैं अपना फोन नंबर तुम्हें मुंबई जाते ही दे दूंगा। यामिनी मुझे पूरा विश्वास है अम्मा और बाबूजी तुम्हारी खुशी के रास्ते में कभी नहीं आएंगे, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। यामिनी मुंबई में किसी से कुछ कहना है? जी किससे मिलना है आपको? जी यामिनी सेगल, आप यामिनी सेगल है ना? जी हाँ। आप ही से मिलना है मुझे। आइए जी। नमस्कार। नमस्कार बाबूजी, ये है जी मेरा नाम सुधाकर है। मैं जी बैठिए ना आप। थैंक यू। देखिए मुंबई में मेरी फॉक्स म्यूजिक नाम की एक कंपनी है, वो रमन जी के ऑफिस में उनकी कैसेट में यामिनी जी की आवाज सुनी तो देखिए हमने सारी जिंदगी सिर्फ आवाज की कद्र करना सीखा है। आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर है, अगर वो 5 साल के लिए हमारी कंपनी के लिए गाने के लिए तैयार हो तो मैं 50 लाख रुपए, मुंबई में रहने के लिए एक बंगला, एक गाड़ी और साथ में 2 नौकर देने के लिए तैयार। इसके अलावा आप जो कुछ भी चाहते हैं मैं वो सब देने के लिए तैयार हूं। एडवांस के तौर पे ये 5 लाख रुपए मैं अपने साथ लाया।